बेटा अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है तो उसमें मैसेज कर दे, क्लास जल्दी जो है ना वो ज्वाइन कर लिया करें। 12:55 आपके क्लास के स्टार्ट होने का टाइम होता है, ठीक है? फिर टाइम नहीं होता पढ़ाने का और अटेंडेंस का, और ये लोग मौज बनाते हुए लेट आ रहे होते हैं क्लास में। ओके मैम, चलो बेटे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम अबाउट द हलाल एंड हराम फूड, ठीक है? उसके बारे में, और इसके अलावा कुछ जो हमारे पास जो मुशबा या जो डाउटफुल फूड होते हैं उनके बारे में है, और कुछ हमारे पास जो ई कोडिंग है, हलाल और हराम कलर फूड मटेरियल जो है उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली बहुत जनरल सा और बहुत ईजी सा हमारे पास आज का लेक्चर है, ठीक है? सो देयर हियर आर सम लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? वो है हम लोग डिफरेंशिएट कर सकेंगे व्हाट इज हलाल व्हाट इज हराम, एंड अदर आर वी विल इनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ हलाल एंड हराम, ठीक है? एंड देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेक्चर्स आर प्रिंसिपल्स, लॉफुल फूड एंड अनलॉफुल फूड्स, ठीक है? सो बेसिकली दीज थ्री पॉइंट्स आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है? सो इन इस्लामिक लॉज एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइज व्हिच फूड आर हलाल and haram, unlawful or lawful, ठीक है? These regulations are derived from commandments found in Quran, हदीस एंड सुन्ना, ठीक है? जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आई है ऑन द बेसिस ऑफ द हलाल एंड हराम, वो हमारे पास कहाँ से आई है? हमारे पास कुरान और हमारे जो अहदीस हैं और जो हमारी सुन्ना है उनके मुताबिक वो चीज़ें डिफरेंशिएट की गई थी, या हलाल और हराम के बीच में एक क्लियर बॉर्डर लाइन बना दी गई थी, ठीक है? सो व्हाट इज हलाल? हलाल इज एन अरबिक वर्ड व्हिच मींस परमिटेड और लॉफुल, एनी थिंग व्हिच इज परमिटेड इन शरिया और इस्लाम और इन आर दीन दैट वी कैन कंज्यूम आर नॉन एज हलाल, ठीक है? व्हिच इज clean from any kind of impurities or any harmful or pathogenic materials, ठीक है? Halal monogram, ठीक है? So there are some on some food products, mostly most of the food products which are present in Pakistan or outside the country which have halal ingredients are being labeled as with halal monogram, ठीक है? So what is the purpose of halal monogram? The purpose of halal monogram is to doubt clarification, ठीक है? Once you are buy things, it clears your doubt, ठीक है? If you have some question in your mind, either this thing is halal or haram, you only see the label or the monogram and then your all doubts are clear, ठीक है? Time saving, it saves your time, ठीक है? How it save your time that you don't have to look for the food items in the alleys of the markets. If it have the halal monogram, you are going to purchase it, ठीक है? तो इस तरह से आपका time save कर देता है. इसके अलावा peace of mind, the most important thing is peace of mind, ठीक है? मोस्टली जो हमारे मुस्लिम हैं या जो हम लोग हैं, हम लोग का पीस ऑफ माइंड क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, जो फूड आइटम्स हम लोग ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ ले जा रही है वो हलाल होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ
नजिस या मुशबा या सेबा मटेरियल्स जो हैं उनका इन्वेजन या वो होने नहीं चाहिए, ठीक है। सो दीज आर थ्री पॉइंट्स विच हेल्प आउट, और ठीक है, हमें हेल्प आउट करती हैं माइंड पीस में, डाउट क्लियरिफिकेशन में और टाइम सेविंग में, हलाल मोनोग्राम, ठीक है। हराम के, हराम इज ऑल्सो एन अरेबिक वर्ड विच मीन प्रोहिबिटेड और अनलॉफुल, ठीक है। हराम एक्टिविटीज आर फॉरबिडन टू एवरी मुस्लिम, ठीक है, ईच एंड एवरी मुस्लिम, ठीक है, वो हराम चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसमें कोई वो सर्टन एज लिमिट नहीं है कि आप 25 के बाद जो है आप खैर है कि आप हलाल या हराम में डिफ्रेंशिएट ना भी गए, ठीक है। फ्रॉम डे वन ऑफ योर लाइफ, ठीक है, देर इज आर क्लियर लाइन बिटवीन हलाल एंड हराम फॉर योर फूड कंजप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा जो पोर्क होता है, डॉग होता है, खमर होता है, अरेबिक वर्ड है यूज फॉर द टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स सच एज बियर वाइन, जो भी आपके पास है, इंटॉक्सिकेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट्स कौन से हैं हमारे पास? इंटॉक्सिकेंट्स वो अशिया होती हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को जाके सप्रेस करती हैं, ठीक है। वो फिर आपकी मेडिसिन भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी ड्रग्स वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। ड्रग्स में अगर आप लोग देख लें, अगर आप लोग मिस यूज या अब्यूजिव यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स शुरू कर रहे हैं तो वो भी नशे में चीज आना शुरू हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली इट बिकम हराम फॉर यू, ठीक है। इस तरह ब्लड है, ख्वाब वो ब्लड आपके पास किसी भी कैन या हलाल एनिमल का हो, बट स्टिल इट इज ब्लड, दे हैव पैथोजेंस, सो इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। देन वी हैव सेवन प्रिंसिपल्स, नेम वाइज इसकी इन लिस्टिंग है, आगे जाके इसकी फिर हमारे पास क्या कहते होते हैं एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये साथ के साथ नाम है और यहाँ से प्रिंसिपल नंबर वन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। So, principle number one, क्या है? All the things created by Allah subhanahu wa ta'ala are halal with few exceptions that are specifically prohibited, ठीक है? चीजें आपको पता है जितने भी मखलूक है इस दुनिया में तमाम अल्लाह की जात ने बनाई है, बट उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए हलाल है और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हराम है, और वो हलाल भी किसी बेस पे है और वो हराम भी हमारे लिए किसी चीज की बेस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पोर्क, पोर्क या पिग या स्वाइन जो है, ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रोटीन सोर्स अल्लाह ने बनाया है। वाई कांट वी ईट इट? बिकॉज जो पोर्क है उसका अपना हैबिटेट जहां वो रहता है और उसकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर शरिया, ठीक है। हमारे पास जो गोट्स हैं या जो काउज हैं वो बेचारे क्या खाते हैं? दे सिंपली ईट द ग्रीन, ठीक है, ग्रास हो गई या वेजिटेबल्स हो गई, वो मर्जी है ना हम लोग की हम उनको क्या देते होते हैं, ठीक है, बट वो साफ सुथरा खाते हैं। पोर्क्स क्या खाते हैं? लेफ्ट ओवर वेस्ट मटीरियल्स, फीसिस, स्टेबल का जितना गंद वगैरह होता है उसी के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर खाते हैं। तो इसी तरह से पोर्क की जो बॉडी होती है उसके अंदर ट्रकेलिया स्पाइरल नाम के एक वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी बॉडी के अंदर होती है। अगर हम इसी कंजप्शन स्टार्ट कर दें तो एक तो हमारी खसलतें उस तरह होना शुरू हो जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर भी वो चीज, वो जो ट्रकेलिया स्पाइरल है या फिर हमारे पास एक और है सोलेनियम, उसका सेकंड नेम मुझे याद है, फर्स्ट नेम मुझे उसका भूल गया, दो किस्म के ये वॉर्म्स है ये हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। आज से चंद साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले यूएसए में बहुत सारे केसेस आना शुरू हुए थे जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं जो कि पोर्क की कंजप्शन क्योंकि यूएसए में स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, उनकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स नजर आना शुरू हो गए थे, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई थी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी ईटिंग और कंज्यूमिंग टू मच पोर्क, ठीक है। सेकंड, ब्लड है, ब्लड चाहे वो हलाल एनिमल का हो, क्योंकि ब्लड जब एक दफा बॉडी से ड्रेन हो जाता है एनिमल के कारकस से तो उसके अंदर पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। थर्ड, मीट और द एनिमल दैट डाइड ऑफ द कॉज अदर देन प्रॉपर स्लॉटरिंग अकॉर्डिंग टू द शरिया कंप्लायंस, ठीक है। कोई भी ऐसा एनिमल जैसे किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट की उसकी डेथ हो जाए तो उसका गोश्त भी हराम हो जाता है, चाहे वो पिकाओ या बफलो, ठीक है। वाई? वही काओ या बफलो का हम स्लांटर करके भी खा रहे थे, ठीक है। देर इज अ क्लियर फिनोमेना, जब हम स्लांटरिंग करते हैं उसी एनिमल की तो एक तो हम तकबीर पढ़ के स्लांटरिंग करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम उसकी बॉडी में जितना भी वो ब्लड होता है उसको ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। जब बॉडी से वो ब्लड ड्रेन हो जाता है चाहे उस बॉडी के अंदर, फिर अक्सर ऐसा होता है ना जो करीबुल मर्द एनिमल होते हैं आपके पास, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी ज़िबा कर दिया जाता है। वो ज़िबा करने के मकसद यही होता है क्योंकि अंदर जो बीमारी भी है वो ब्लड के साथ ड्रेन आउट हो जाएगी। बट लेट सपोज वो जानवर ऐसे ही मर गया और अगर आपने उसका गोश्त कंज्यूम कर लिया, ठीक है, अब हमें नहीं पता, बच्चे समय खिलाते होंगे, बट क्या होता है क्योंकि ब्लड के अंदर वो वायरसेस थे उन्होंने उस बॉडी के अंदर डिटोरिएशन स्टार्ट कर दी होती है, तो दैट्स वाई मरे हुए जानवर का जो गोश्त है वो खाना हराम है हमारे पास, ठीक है।
और क्या चीजें प्रोहिबिटेड है हमारे पास, ठीक है, फूड दैट हैज बीन स्लॉटर्ड और सैक्रिफाइस टू समवन अदर देन अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नाम के अलावा, अल्लाह के नाम के सिवा अगर किसी और के नाम पे कोई चीज ज़िबा की गई होती, जैसे ये ब्लैक मैजिक वगैरह वाले करते होते, ठीक है, तो उस एनिमल का गोश्त खाना भी प्रोहिबिटेड है आपके पास, ठीक है। इसी तरह वाइन है, इंटॉक्सिकेंट्स है और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर ये एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्लाइड है, ये समझे आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्लास में अब इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास सिर्फ 55 मिनट्स होते हैं, बट इसका मैं आपको वो क्या कहते होते हैं सम बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ कि जो पिग या पिग की डायबिटीज की जो चीजें हैं प्रोहिबिटेड है या डाउटफुल है, उनमें हमारे पास कॉस्मेटिक आ जाती है, वो वाले कॉस्मेटिक्स या लिपस्टिक जो हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ जेलोज वगैरह या जेलीज जो है, जो इम्पोर्टेंट जेलीज है, उनके अंदर भी हो सकता है पिक फैट वगैरह यूज किया गया हो, ठीक है। इस तरह कुछ मेडिसिन जैसे कोलाजिन वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर भी हो सकता है कि पिक की डायबिटीज है, उसका फैट यूज किया गया हो, ठीक है। बाकी डिटेल में आप लोगों ने खुद स्टडी करनी है, मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीजें भी क्या है, ये हमारे लिए हराम हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर टू क्या है हमारे पास, हलाल और हराम इज बेस्ड ऑन द इंजेक्शंस आर स्टेटेड इन अल कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। जो भी हलाल और हराम के बारे में गुफ्तगु कुरान और सुन्ना के अंदर हुई है वो क्या है, वो हम कह सकते हैं कि इट इज हर्फ आखिर, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई रीजनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, या हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन यूज की, नो ह्यूमन बींग नो मैटर हाउ प्रीशियस और पावरफुल मे टेक इट इन टू हिज हैंड्स टू चेंज इट, ठीक है। चाहे वो कोई मौलाना साहिब या उल्मा उठ गया, बहुत बड़ा स्कॉलर भी उठ जाए, तो उसके अंदर उस चीज को डिफरेंट नहीं कर सकता, ठीक है। जो है अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है सो वो है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इन द मेन्यू होटल्स रेस्टोरेंट्स आर फॉरबिडन टू मिक्स द वाइन विद द स्टेक दे प्रिपेयर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज बैन है, बट अभी हमारे पास कुछ ऐसे फॉरेन रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ जापानीज और कुछ चाइनीज और कुछ कोरियन रेस्टोरेंट्स हमारे पास ओपन हुए हैं, जो कि छुप के विदाउट मेंशनिंग इन द मेन्यू दे आर यूजिंग वाइन एंड सर्टेन काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मशरूम्स इन देयर सूप्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री प्रिंसिपल है कि व्हाट इज व्हाई प्रोहिबिटेड, ये जो चीजें हमारे ऊपर बंद की गई हैं या जो अनलॉफुल इनको बनाया गया है वो क्यों है, ठीक है। वो इसलिए कि मुस्लिम इज नॉट सपोज टू क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपकी रिलीजन की बात आ गई है, किसी मुसलमान को ये हक नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन उठाए, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन लॉजिकल हो और आपको जवाब देने वाला लॉजिकल कोई आलिम या उलमा बैठे हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपके क्वेश्चन में कोई लॉजिक होनी चाहिए। यू कैन सिंपली यू कांट से लाइक व्हाई, क्यों, आप इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। देयर माइट बी ऑब्वियस रीजन, अल्लाह की तरफ से कुछ ऑब्स्क्योर और ऑब्वियस रीजन होंगे जिनकी बेसिस पे ये चीजें प्रोहिबिटेड की गई होती, ठीक है। मोस्टली हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड उन चीजों को अल्लाह की तरफ से किया होता है जिनका मेडिकली हमारी मेंटल या हमारी फिजिकल हेल्थ पे कोई बुरा अफेक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसी वजह से अल्लाह ने वो चीजें मना की गई होती है। शराब या वाइन क्यों हराम इस्लाम में, बिकॉज जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाती है आपके नर्वस सिस्टम और आपके न्यूरॉन्स को सप्रेस कर देती है, आपको इमोशनली वीक कर देती है और आपको कुछ समझ नहीं होती, आप सेंसलेस हो जाते हैं, आप सेन नहीं रहते, आप इनसेन हो जाते हैं, आप उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हो, दैट्स व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है। रैशनल और प्रोहिबिटेड, ठीक है, अब हमने बिल्कुल जो रैशनल और लॉजिक की बेस पे जो बातें हैं कि किस वजह से ये चीजें हराम है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैरियन एंड डेथ एनिमल्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनकी डेथ हो चुकी है या जो कैरियन है आपके पास, ठीक है, जो नोच के खाते हैं आपके पास, ठीक है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज द डिकेइंग प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस, ठीक है। जब डिकेइंग स्टार्ट होती है किसी एनिमल की बॉडी में, ख्वाह वो काऊ हो या बफलो हो या गोट हो, ठीक है, व्हाट दे प्रोड्यूस, जब भी डिकेइंग होती है आपके पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, जब नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेट सपोज यू कंज्यूम दैट थिंग दैट अफेक्ट योर न्यूरॉन्स and also your lungs, ठीक है, आपके bronchioles को narrow down करते हैं और आपकी सांस लेने का मसला बनाते हैं। So number one logic for prohibition is that. Number two is blood, ठीक है, blood जब drain out होता है animal की body से तो उसके अंदर बहुत सारे waste products होते हैं, ठीक है, metabolism के products भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे enzymes और hormones है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट किस्म की डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट्स क्या है हमारे पास, आर कंसीडर हार्मफुल फॉर द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट्स में सारा भी ये जो बियर ग्रुप आपके पास, वाइन का जो जितना भी ग्रुप है, अल्कोहलिक बेवरेजेस आ जाएंगे या फिर जो ऐसी ड्रग्स हैं जो सेडेटिव्स हैं जो आपके आपको प्लेयर देते हैं, ठीक है, वो चीजें आ जाएंगी, अफेक्टिंग द सेंस ऑफ ह्यूमन जजमेंट,
आप जजमेंट टेक नहीं कर सकते, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो ड्रंकर्स होते हैं, उनको फिर इसमें तमीज नहीं होती कि ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, ठीक है। लीडिंग टू सोशल फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स आर नंबर वन, एंड देन आल्सो विद दैट यू हैव इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है। आप इतना उस पर खर्चा करते हो तो आप इकोनॉमिकली भी डाउन हो जाते हो, और डेथ हो सकती है, क्योंकि जब आपका नर्वस सिस्टम सप्रेस होता है या डोजेज बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो कार्डिक अरेस्ट या फिर जो आपके ब्लड, जो ब्लड ब्रेन बैरियर उसके अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस है, जिससे डेथ हो सकती है, ठीक है। स्वाइन पे आ जाते हैं। स्वाइन जो हमारे पास है वो मेजर वेक्टर है डिफरेंट डिजीज के लिए, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट वॉर्म्स होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है, और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जो कि नेरियस स्पाइरल्स एटेनियस सोलियम आर कॉमन, ठीक है। ये इस तरह के किस्म के वॉर्म्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर होते हैं, और जब हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें, आप देखिए ना, हम लोग तकरीबन जैसे हम लोग जो मीट है या बीफ है या मटन है, हम लोग तकरीबन डेली बेसिस पे यूज करें, ठीक है। अगर इसी तरह आप लोग देखिए यूएस में पोर्क यूज होता है डेली बेसिस पे किसी भी मील के अंदर, इवन इट्स इन ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, ठीक है। तो इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर फिर इस तरह की ये करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गए थे। और अगर वो आपने वीडियो देखी भी हो तो एक बड़ी वायरल हुई थी कि लड़की की जो फेशियल स्किन थी इसके अंदर वॉर्म्स मूव कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरासाइट है तो ये आपकी बॉडी के अंदर रहना शुरू करते हैं और आपकी बॉडी को अंदर से खराब करना शुरू कर देते हैं। फिर नंबर फोर हमारे पास ये प्रिंसिपल है कि व्हाट परमिटेड हलाल इज सफिशिएंट। इसमें क्या कि अल्लाह ताला ने जो चीजें आपको परमिट की है वो आपके लिए सफिशिएंट है, और जो नहीं की उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट कैसे, हम लोग प्रोटीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने आपके बहुत सारी बर्ड्स जो है वो हराम की हुई है, तो कुछ बहुत सारी जो हैन हो गया और कौन सी है जो आपके पास ये क्या कहते होते हैं उसको, तीतर वगैरह हो गया, बटेर, तीतर तो नहीं, खैर बटेर हो गया, चिकन हो गया, ये क्या है, ये आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर अलाउड है। इस तरह एनिमल्स में देख रहे तो कॉ एंड बफलो अलाउड है, क्योंकि ये आपकी प्रोटीन सोर्सेज है, आपको प्रोटीन सोर्सेज मिल रही है। अगर आपके ऊपर एक पोर्क अगर हराम किया गया है या इस तरह के एनिमल्स हराम किए गए हैं आपके ऊपर, ठीक है, तो उसके इतने सारे अल्टरनेटिव्स अल्लाह ताला ने आपको दे दिए, अल्लाह ताला ने आपको डिप्राइव नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है कि जो चीजें अल्लाह ने अलाउ की हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, अदर देन दोज आर सुपरफ्लस, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फिर कौन सी चीजें हमारे ऊपर मना की हैं, ओनली थिंग्स दैट अननेसेसरी और डिस्पेंसेबल वाइल प्रोवाइडिंग बेटर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो हलाल फूड खाने के हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। फिर यहाँ पे ये वर्ल्ड ग्लोब का एक मार्क बनाया हुआ है, ठीक है, मेनी ऑफ हलाल एंड लिटिल बिट ऑफ हराम, ठीक है। आप लोग अगर देख लें बहुत सारी जो आपके पास कंट्रीज है, इवन दे आर मुस्लिम्स होते हैं नॉट मुस्लिम्स, लाइक आप एग्जाम्पल ले लो इंडिया की, इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, आप लोग श्रीलंका की एग्जाम्पल ले लें, आप लोग ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, आप लोग ऑस्ट्रिया की एग्जाम्पल ले लें, वहां पे सारे मुस्लिम्स नहीं है बट स्टिल दे डोंट यूज पोर्क एज देयर स्टेपल फूड, ठीक है। ये लोग पोर्क नहीं यूज करते, ये लोग दूसरे मीट सोर्सेज यूज कर लेते पर पोर्क नहीं यूज करते। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपको ड्रिंकिंग जो है अल्कोहल लेना इज बैन, इधर दे आर नॉट मुस्लिम बट इट इज बैन, ठीक है। इस तरह डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, तो इनको हम माइंड में रखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइडली हलाल फूड इज मोर कॉमन देन हराम, ठीक है। हराम फूड आपके पास कुछ ज्यूइश कंट्री है या फिर जो मोस्टली आपके पास यूज होते हैं तो जो स्टेट्स है आपके पास, स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिशन का वजह क्या है, एक तो ये क्या करते हैं नेगेटिव इफेक्ट इसके हैं आपकी फेथ, ठीक है, आपका जो दीन है या जो ईमान है या जो आपका फेथ है उसको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा था आपको इसके ऊपर इतना खर्चा करेगा इकोनॉमिकली आपको अफेक्ट करेगा। इस तरह जो आपकी प्रोजेंसी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते हो या जिन पीयर ग्रुप से आप लिंक हो या जो आपके दोस्त अहबाब उनके साथ आपके ताल्लुकात और आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हराम अल्लाफुल के हमारे पास अल्कोहल है, पेगन डायबिटीज है, ब्लड डायबिटीज है, पॉइजनस होते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं आपके पास, हराम हार्मफुलनेस है और हैज़र्डियस है और नजस होते हैं आपके पास, ठीक है। फाइव नंबर प्रिंसिपल क्या है, व्हाटएवर इज कंडेंस इज टू प्रोहिबिटेड हराम इज इटसेल्फ प्रोहिबिटेड हराम, ठीक है। इसकी समरी ये कि कोई चीज अगर हराम है, अगर आप खुद नहीं भी कर रहे बट आप उसके लिए कोई प्रोवाइडर बन रहे हैं या आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं वो चीज किसी को देने के लिए, लेट सपोज आप खुद सिगरेट नहीं पीते पर आप किसी के लिए ला रहे हो या आपकी दुकान में सिगरेट मिल रहा है, सो यू आर इक्वली responsible for this sin, ठीक है।
इस तरह फिर हजूर पाक का एक यहाँ पे एक आप कह लें वो डाला हुआ है, मैंने एग्जांपल दी हुई कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्स्ड नॉट ओनली द वन हु ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बट आल्सो द वन हु प्रोड्यूसेस देम, द वन हु सर्व्स देम, द वन टू हुम दे आर सर्व्ड एंड आल्सो द वन टू हुम द प्राइस ऑफ देम इज पेड। ठीक है, अगर आप ड्रंक करते हैं, ठीक है, सिर्फ आप गुने गार्ड नहीं, आप जब बार में जाएंगे वो बार जिसका है वो उस बार का टेंडर जिसके पास है वो और वो वेटर जो आपको सर्व कर रहे सारे के सारे आपके गुनाह में बराबर के शरीक है। सो दैट वाज द समरी ऑफ प्रिंसिपल नंबर 5। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 6 है फाजली रिप्रेजेंटिंग अनलॉफुल इज लॉफुल इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, वो जो हम लोग फ्लिमजी एक्सक्यूजेस आजकल के यूथ बनाते हैं कि नहीं भाई ये तो इस तरह नहीं है, ये तो हराम नहीं है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, माल्ट की एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैं आप लोगों को दूंगी। Most of us know that malt is derivative of कहाँ से derive हुआ, ये आपके पास beer से derive होता है। ठीक है, तो malt is in its nature it's haram। ठीक है, but हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी generation consume कर रही है इसको। ठीक है, high levels of caffeine and narcotics are haram, we are consuming energy drinks though we know it but we use it and हम लोग क्या करते हैं excuse बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक में तो कुछ भी नहीं होता भाई, कैफीन तो चाय के अंदर, जो चाय के अंदर कैफीन है वो नेचुरली है, इट्स नॉट सिंथेटिक, वो मैनमेड कैफीन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैनमेड कैफीन है, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो टॉक्सिक क्योंकि वो आपको इंटॉक्सिकेट करती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वो चीजें जो कि आपको प्लेयर देती हैं विच आर नॉट सोल, एक तो सोल प्लेयर होते हैं ना आपके लिए, जो आप अल्लाह को याद करके या नमाज करके या फास्टिंग करके जो आपको सुकून मिलता है वो भी एक प्लेयर है। ठीक है, एक प्लेयर होते दुनियावी चीजों से जो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको फील हो कि जिस भी दुनिया की चीज से आपको सुकून या खुशी मिलना शुरू होती है तो वो हराम होती है। ठीक है, इधर इट्स म्यूजिक, इधर इट्स सम काइंड ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स। ठीक है, अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू करती है या वो आपसे आपकी आखिरत भुलाना शुरू करती है तो इट विल फॉल इन दिस प्रिंसिपल नंबर 6। ठीक है, तो फाजली फ्लिमजी एक्सक्यूजेस बना के किसी भी हराम चीज को हलाल नहीं कह सकते। ठीक है, कॉलिंग अ हराम थिंग बाय द नेम अदर देन इट्स ऑन एंड चेंजिंग इट्स फॉर्म व्हाइल रिटेनिंग इट्स इनसेंस इन डिवेशियस टैक्टिक इट रिमेन्स सिंपल। ठीक है, यहाँ पे बड़ी मजे की एग्जाम्पल मेरे माइंड में भी आ रही है। ठीक है, कॉलिंग अ हराम थिंग बाय अदर नेम। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि ड्रग्स है हमारे पास, शीशा नंबर 1 एग्जाम्पल। ठीक है भाई, शीशा इज नॉट अ ड्रग, हमारी यू क्या कहती, शीशा पीने से तो कुछ नहीं होता, उसमें तो सिर्फ स्मोक है और सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं, बट स्टिल देयर इज यूज ऑफ टोबैको, देयर इज अ लिटिल बिट यूज ऑफ लिकर इन इट। ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, यूज हो रहा है। सिमिलरली लड़के लड़कियां आजकल हम सिगरेट तो नहीं पीते, हम तो वेप लेते हैं। ठीक है, वेप क्या है, वेप भी आपके पास इज काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग थिंग, बेशक वो बिजली से चलता है वेप आपके पास, ठीक है, उसमें से धुआं निकल रहा है, वो चीज आपको प्लेयर दे रही है, तो वही बात है, जो चीज आपको प्लेयर दे रही है वो हराम कैटेगरी में फॉल करेगी, चाहे फिर आप उसको चार्ज से चला ले, बिजली से चला ले, मैग्नेट से चला ले, तो हराम विल स्टिल रिमेन हराम। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 7 क्या है, डार्टफुल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, उन चीजों के बारे में जिसके बारे में आपके दीन या आपके दिमाग में सवाल उठना शुरू हो जाए, डाउट आना शुरू हो जाए, उनके बारे में क्या हदीस है और क्या चीजें। ठीक है, रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो हलाल है और जो हराम है उसके बीच में जो भी चीजें फॉल करेंगी वो डाउट में आएगी, क्योंकि हलाल और हराम अल्लाह की तरफ से बहुत ही क्लियरली सेपरेट कर दी गई। हमें पता है कौन से एनिमल्स हलाल है, कौन से हराम है, हमें पता है कौन सी वेजिटेबल्स हलाल है, कौन सी वेजिटेबल्स हराम है, हमें पता है कौन सा सी फूड हलाल है, कौन सा सी फूड हराम है। ठीक है, तो इसके बीच में जो चीज आएगी और जो बंदा उस चीज को छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे वही लाइन है, whoever leaves them he is innocent towards his religion and his conscience। ठीक है, जो भी उसको छोड़ देगा वो इनोसेंट होगा। ठीक है, लेट सपोज आपके दिमाग में डाउट है या फिर आपको पता है कि ये चीज ठीक नहीं है और आप उसको ले रहे हो, तो यू आर कमिटिंग अ सिन। ठीक है, एट दैट टाइम। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड कर देना इज बेटर, नो हलाल लोगों, अगर आप कोई फूड आइटम ले लें, लेट्स सपोज परसों ही मैंने एक यहाँ पे एक लोकल हमारा ग्रोसरी शॉप है, उनके पास एक जेली थी और उसके ऊपर कोई हलाल लोगों नहीं था। ठीक है, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। डर्टी इन्वायरमेंट, न जस्ट इन्वायरमेंट हो, ठीक है, साफ चीजों को गंदी के साथ मिक्स किया हो, ठीक है, उसको नो हलाल सर्टिफिकेशन ना हो। ठीक है,
बीच में ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है ना डाउटफुल या सामने लिखा हुआ है सेबा ठीक है सेबा इज आल्सो इंग्लिश वर्ड एंड दिस आल्सो यूज्ड फॉर द थिंग्स व्हिच हैव डाउट और व्हिच हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस ठीक है क्रॉस कंटामिनेशन विद नजस ठीक है अगर आपने साफ गोश्त ब्लड के साथ रख दिया वो नजस हो जाएगा Derived from animal and bone, ठीक है जेलेटिन की एग्जाम्पल जेलेटिन के ऊपर पता नहीं कितने अर्से से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं बट अभी तक हमें उसका आंसर नहीं मिला ठीक है आई एम प्रॉपर हैंडलिंग सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर रहे ठीक है इम्प्योरिटी एंड प्रॉपर हैंडलिंग में एग्जाम्पल उसकी आ जाएगी इसी एग्जाम्पल ताकि आपके माइंड में रहे ईद के दिनों में जब स्लॉन्टरिंग हो रही होती कुर्बानी वाली ईद जो थी आपके पास ईद उल अजहा उसमें हमने देखा होगा कि अभी उस जानवर की जान नहीं निकली होती और जो बुचर होता है कसाई होता है उसे खाल उतारना शुरू कर देते सो This is improper handling, ठीक है ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ ई नंबर है ई नंबर का आपको पता है ना यूरोपियन यूनियन के जो ई कोर्स होते हैं फॉर द फूड कलर और फूड प्रिजर्वेशन ठीक है उसमें जो डाउटफुल थे जो कि पिग फैट से बने हुए हैं ये कुछ हैं हमारे पास कोई 12 किस्म के हैं जिसमें ई 16 ई 280 17 ई 300 और इस तरह के फर्दर मोर इसमें से एक दो भी आपको याद हो जाए तो अच्छा है ठीक है ये है हमारे पास जो कि कम्प्लीटली इनको अवॉइड करना चाहिए अगर आप लोगों को किसी फूड मटेरियल के ऊपर ये नजर आ जाए तो वो फूड मटेरियल यूज मत करें उसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग में या उसकी फ्राइंग वगैरह में लेट्स सपोज क्रैकर्स हैं तो पिग फैट यूज हो चुका होगा ई कोडिंग लिपस्टिक्स के ऊपर भी होती है फॉर गर्ल्स ठीक है देख लिया करें डाउटफुल एंड सेबा इंग्रीडियंट्स ठीक है डाउटफुल इंग्रीडियंट्स कौन सी है जेलेटिन है हमारे पास ठीक है जेलेटिन किस लिए यूज होता है हमारे पास बाइंडिंग एंड फॉर्मिंग एजेंट है स्टेबलाइजर है क्रीमिंग एंड जेलिंग के लिए यूज होता है आइसक्रीम के अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स एंड जेल एंड कैप्सूल्स एंड इट इज मेड फ्रॉम द बोन ऑफ द एनिमल्स ठीक है लेसिटिनिन है लेसिटिनिन हमारे पास एग योक से एनिमल फैट्स ऑब्टेन होता है इट्स आल्सो यूज्ड एज अ कलर एजेंट इन समहाउ एज इमल्सिफायर और आल्सो इन इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स एंड आल्सो इन द फर्नीचर एज इज अ फर्नीचर पॉलिस्टर और एज अ लुब्रिकेंट ठीक है फिर ग्लाइसेरिसाइड्स है हमारे पास ठीक है used as emulsifier in product in ice creams ठीक है beverages shortening जो margarine वगैरह होते हैं उनके अंदर भी use होते हैं उनके ऊपर भी doubts हैं ठीक है enzymes है क्योंकि enzyme animal derived teeth हैं तो इसके ऊपर भी कुछ questions raise हो रहे हैं ठीक है क्योंकि different जो हमारे पास drinking products हैं ठीक है जो juices वगैरह हैं उनके अंदर भी कुछ enzymes use हो रहे होते हैं ठीक है same for the renin ठीक है renin हमारे पास आता है calf के जो calf होता है उसके liver से It is used for cheese making in Spain. हमारे यहाँ तो खैर ये synthetic वाली होती है ठीक है जो chemical से बनती है वहाँ पे original चीज होती है तो उसके ऊपर भी कुछ उलेमा ने कुछ doubts present किए हैं ठीक है फिर वे है वे हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट है दूध का और चीज का और इसको भी यूज किया जाता है आइसक्रीम्स वगैरह के अंदर और इसकी तरह एज अ रॉ फॉर्म में जो हमारे पास जिम में होते हैं लड़के लड़कियाँ जो जिम करते हैं वो इसके शेक्स वगैरह पीते हैं ठीक है So these are the things which have some doubt, ठीक है? फिर क्यों इसलिए फिर यहाँ पे कहा जाता है कि when in doubt leave it out, ठीक है? Then ingredients के बारे में हम लोग आ जाते हैं कि ingredients हमारे पास हलाल ingredients कौन सी हैं? तो number one जो हमारे पास इसका part है वो है only Allah the supreme lawgiver can ordain what is halal and what is haram, ठीक है? वही वाली बात है कि जो भी orders होंगे वो Allah की तरफ से होंगे, मेरे या आपकी तरफ से नहीं होंगे। Halal food means food fit for human consumption and permitted by laws of Islam or permissible and lawful. ठीक है कोई भी food materials fit human consumption के लिए तभी होते हैं जिसके अंदर permissible items हो ठीक है कुछ भी impurity या कुछ doubt वाली चीजें ना हो ठीक है The food air or its ingredients do not contain any parts of product of animal that are non-halal or products of animal which are not slaughtered according to the law. ठीक है फॉरेन कंट्रीज में हम लोग बीफ भी अवॉइड करते हैं क्यों अवॉइड करते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उनकी स्लांटरिंग और बेसिकली उनकी स्लांटरिंग जो होती है वो शरा या हमारे सुन्ना के मुताबिक नहीं होती ठीक है वो फिर कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं फॉरेन एरियाज में भी फॉरेन कंट्रीज में भी जहाँ से हमें हलाल प्रोडक्ट मिल जाता है फिर जो इंग्रेडिएंट का यूज है तो आलू क्या है आलू एक आम सी चीज है न्यूट्रल बेचारी अल्कलाइन सी न्यूट्रल सी चीज है बट आलू कुड भी हराम कैन कैसे हराम हो सकती है अगर वो क्रैकर्स हम लोग खरीद लें फॉरेन कंट्री में वो क्रैकर्स बने हुए पिग फैट में या किसी हराम एनिमल के फैट में सो वो मासूम सा आलू भी आपके लिए हराम हो सकता है ठीक है तो ये चीजें आपको बड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ती हैं और बड़ी डिटेल में देखनी पड़ती हैं इफ यू वॉन्ट टू ईट क्लीन एंड अकॉर्डिंग टू द शरा ठीक है
हलाल इंग्रेडिएंट मस्ट नॉट बी नजस, उसमें इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए. हलाल इंग्रेडिएंट मस्ट बी सेफ, नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. हलाल इंग्रेडिएंट्स आर नीदर प्रिपेयर, प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग नजस इक्विपमेंट्स, नो रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद नजस आइटम. ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक ही प्लांट है, वहां पे मुस्लिम भी रह रहे हैं और यूरोपियंस भी रह रहे हैं. ठीक है, और वो एक मशीन जो है वो सॉसेज बनाने की मशीन है. ठीक है, उसमें से आपने भी सॉसेज बनाने हैं और उसको जो वो जो क्रिश्चियन है या जो वट एवर है, क्रिश्चियन तो खैर सारे क्रिश्चियंस तो आपके पास हराम नहीं खाते. हम लोग एग्जाम्पल ले लेते, तो बेसिकली यूएसए का एग्जाम्पल ले, कोई यूएसए का बंदा रह रहा है. ठीक है, वहाँ पर तो आप लोग क्या करेंगे, आपको काम है कि आप उस इक्विपमेंट को साफ करेंगे, उसकी जो नजस है या जो नापाकी है उसको क्लियर करेंगे. हाउ वुड यू क्लियर, उसके ऊपर आप कलमा पढ़ेंगे और उसको पानी से इसी तरह से धोके आप भी वो इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, हलाल इंग्रेडिएंट सोर्सेज, वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स आल हलाल एक्सेप्ट इंटॉक्सिकेटिंग, सारी सब्जियां हलाल है एक्सेप्ट इंटॉक्सिकेटिंग. इंटॉक्सिकेटिंग वेजिटेबल्स वो हो सकते हैं जिसके अंदर कोई बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की गई हो, किसी वजह से उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन हो. ठीक है, एनिमल डेरिवेटेड इंग्रेडिएंट्स, एनिमल्स मस्ट बी ऑफ हलाल स्पीशीज के होने चाहिए बट स्लॉटर्ड होने चाहिए. ठीक है, अगर उनका फैट वगैरह यूज होते हैं. ठीक है, हलाल एनिमल स्लॉटर्ड बाय सेम मुस्लिम, पक्के सच्चे और उस मुसलमान से करवाए जिसको कलमा और तकबीर उन चीजों का पता हो. ठीक है, इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम द कार्कस. ठीक है, ड्रेनेज पूरी होनी चाहिए. ह्यूमन हैंडलिंग टू बी प्रैक्टिस. ठीक है, ह्यूमन हैंडलिंग में भी प्रैक्टिस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जान निकलने से पहले खाल में तो उतारा करें, जानवर को जानवर की तरह ना ट्रीट किया करें, थोड़ा सा उधर अपनी इंसानियत की आप इंसान है इतना शो कर दिया करें. ठीक है, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट जितने भी हैं जो कि इंसान ने अपने होशो हवास में रह के विदाउट यूज ऑफ गंदबला बनाया हुआ है तो वो हलाल होते हैं. ठीक है, हराम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है जो प्रोहिबिटेड है, उनमें पोर्क आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, ब्लड ऑफ डेड एनिमल्स आ जाएगा. ठीक है, एनिमल्स स्टार्टेड विदाउट रिसाइटिंग द नेम ऑफ द अल्लाह, सो ये हमारे पास हराम हो गए. ठीक है, क्वेश्चनेबल और मशबू इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, डाउटफुल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कौन से हैं. ठीक है, मशबू इज एन अरेबिक टर्म मीन सस्पेक्टेड और डाउटफुल इंग्रेडिएंट्स अबाउट विच वी आर नॉट श्योर द सोर्स. ठीक है, जिसमें सोर्स हमें नहीं पता होता, जैसे जेलेटिन है, वी हैव नो आइडिया जेलेटिन कहाँ से आया, पोर्क से आया, बीफ से आया, फिश से आया. ठीक है, ग्लिसरीन स्पोनिफिकेशन ऑफ द एनिमल फैट से आता है, वी हैव डाउट्स अबाउट इट. इमल्सीफायर भी एनिमल से आता है, एंजाइम, माइक्रोबियल और बायोटेक्नोलॉजिकल. बायोटेक्नोलॉजिकल में मोस्टली जो जीएमओ है ना, जिनमें जीन्स की चेंजिंग की गई होती है एनिमल्स या प्लांट के अंदर, उसके ऊपर उलेमा की तरफ से कुछ क्वेश्चन रेज किए गए हुए, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. डेयरी इंग्रेडिएंट वे एंड चीज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एनिमल प्रोटीन एंड फैट एंड फ्लेवरिंग एंड कंपाउंड मिक्सचर्स. ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स में टोरिन की एग्जाम्पल आ जाएगा. टोरिन जो होता है, जो पोर्क है, उसकी गॉल से लिया जाता है एक केमिकल एंड इट इज मिक्स्ड इन द एनर्जी ड्रिंक टू बूस्ट इट. ठीक है, वो जो एनर्जी ड्रिंक पी के, हमारी लोकल एनर्जी ड्रिंक जैसे स्टिंग वगैरह है, वो तो आम सी है, उसके अंदर सिर्फ फ्लेवर और कार्बोनेट होते हैं. वो एनर्जी ड्रिंक्स जो कि फॉरन है, हम जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं ना, वहां पे बड़े अजीब किस्म गरीब किस्म के नाम और बोतलों में जो एनर्जी ड्रिंक्स पड़े होते हैं उनके अंदर टोरिन का यूजेज होता है आपके पास. ठीक है, पाकिस्तान में टोरिन अगर किसी चीज के अंदर है तो वो रेडबुल के अंदर है. ठीक है, पेप्सिन क्लेरिफाइज द स्टेबलाइजर्स टू मेक द ड्रिंक लुक क्लियर. ठीक है, पेप्सिन की अमाउंट जब हद से ज्यादा, जैसे अल्कोहल की भी लिमिट अगर वो क्रॉस कर जाए तो वो दवाई के अंदर भी हराम हो जाती है, इस तरह पेप्सिन की भी अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो हराम हो जाता है. आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा जो पेप्सिन आपके पास एड किया जा रहा है जिस एनर्जी ड्रिंक के अंदर, जो बहुत ही क्लियर है, बड़े अच्छे अच्छे कलर है उस एनर्जी ड्रिंक के, गेटोरेट के एनर्जी ड्रिंक्स हैं. ठीक है, उसके अंदर इसकी अमाउंट जरा ज्यादा होती है. ठीक है, इस तरह क्लाउडिफायर्स होते हैं, क्लाउडिफायर्स तो खैर धोखा देने के लिए भी डाले जाते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव सम क्वेश्चन, दे आर मशबूआ. क्लाउडिफायर्स पाकिस्तान के अंदर जूसेस के अंदर डाल के उनको नेक्टर का नाम दे दिया जाता है उनको थिक करने के लिए. ठीक है, एक्टिव कार्बन एंड फ्लेवर्स फॉर फ्रूटी अरोमास. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास टोरिन का है. ठीक है, अच्छा, जीएमओज इन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, अब जीएमओज इन बायोटेक्नोलॉजी में जो केमिकल्स हमारे पास बनते हैं वो तो एक्सेप्टेबल हैं, जो एंजाइम आते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है. ट्रांसजेनिक फूड प्लांट टू प्लांट जीन ट्रांसफर इज ओके. ठीक है, अगर मैं गोभी के जीन्स लेकर टर्निप के अंदर डाल दूं तो इट्स ओके, बट एनिमल टू प्लांट जीन ट्रांसफर इज क्वेश्चनेबल. और इसके ऊपर बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बड़ी डीप कन्वर्सेशन है, कभी फ्री विद हम लोग करेंगे, क्योंकि फ्रांस में आजकल एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक लेके या प्लांट की
मुझे थोड़ा सा भूल गया, बट इन दोनों में से किसी करेक्टरिस्टिकली का कोई नया स्पीशी बनाया जा रहा है आजकल, ठीक है. एनिमल टू एनिमल जीन ट्रांसफर इज न्यू स्पीशीज के लिए डाउटफुल है, बट हम लोग देख रहे हैं हमारे पास हाइब्रिड काउस वगैरह आ रही हैं, तो कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, बट स्टिल इट इज इन डाउट. ई कोड्स, ठीक है. ई कोड्स क्या होते हैं? ई कोड्स आर कोड्स समटाइम्स फाउंड ऑन फूड लेबल्स इन द यूरोपियन यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली एंड पोर्टुगल एटसेट्रा, ठीक है. द कोड्स इंडिकेट्स एन इंग्रेडिएंट व्हिच इज सम टाइप ऑफ फूड एडिटिव्स. ई कोड इज फॉर यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड बाय द फूड एडिटिव्स, ठीक है. अदर कंट्रीज हैव डिफरेंट फूड लेबलिंग लॉज, ठीक है. यूरोपियन यूनियन से जो होते हैं हमारे पास मोस्टली जो हमारी चीजें, हम लोग यूरोपियन यूनियन की ई कोड्स यूज करते हैं, ठीक है. वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो यूके की उल्मा की तरफ से हलाल और हराम की डिफ्रेंशिएटेड के बेस पे जो है उन्होंने क्लियर कर दिए थे कि जो हलाल है जो हराम है उन्होंने क्लियर कर दिए, तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर मोस्टली अगर आपने बहुत डीपली इस चीज को स्टडी करना है बेटा, और आपके पास वैसे भी रमजान में टाइम ही टाइम होता है, तो टर्किश फूड लॉज जो है ना वो बड़े डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से हैं, तो वो आप लोग देख लें, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ हराम ई नंबर्स, ठीक है. हराम ई नंबर्स हमारे पास है कॉकनेलियन, रेड कलर है ये हमारे पास E120. अगर आप किसी उस चीज के ऊपर देखें तो काइंडली अवॉइड दैट कैंडी और वट एवर इट इज, ठीक है. रेड कलर होता है और ये इंसेक्ट से लिया जाता है मोस्टली फॉर एक स्पेसिफिक टाइप की एंट है जिसकी बॉडी से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इस तरह फिर 441 जेलेटिन एंड 542 एडिबल बोन फॉस्फेट है, ठीक है. तो जो यूके और साउथ अफ्रीका के उलमा थे उन्होंने इन तीन ई कोड्स नंबर को हराम करार दिया, ठीक है. रिक्वायरमेंट्स फॉर हलाल फूड प्रोसेसिंग, रिक्वायरमेंट्स के हमने अगर हलाल फूड प्रोसेस करने, लेट्स सपोज हमने नगेट्स बनाने हैं, सॉसेजेस बनाने, इंग्रेडिएंट मस्ट बी फ्रॉम हलाल सोर्स, सारी मुर्गियां स्लॉटर होके आनी चाहिए, ठीक है. प्रोसेसिंग मस्ट बी चेक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है. जो भी प्रोसेस है वो देखना चाहिए. फाइनल कंपोजिशन मस्ट बी चेक कि उसके अंदर कोई अल्कोहल या किसी इस किस्म की इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट तो नहीं डाला गया, ठीक है. इन फाइनल कंपोजिशन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट मस्ट नॉट बी एक्सीड द परमिसिबल लिमिट. हेयर कम्स द मेडिसिन, ठीक है. मेडिसिन में आपको पता नहीं पॉइंट समथिंग अल्कोहल डालने की परमिशन होती है, उसको जब वो क्रॉस कर देते हैं तो इट बिकम द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नॉट द मेडिसिन. पैकेजिंग मटीरियल शुड नॉट कंटेन एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ठीक है. क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड करनी है. इक्विपमेंट मस्ट बी वॉश विद परमिसिबल डिटर्जेंट. अब देखिए इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं जाते होते, बट देखिए डिटर्जेंट भी हमें देखना है कि वो हलाल है कि हराम है, ठीक है. सैनिटेशन क्रॉस कंटेमिनेशन इन फूड प्रोसेसिंग ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन परमिसिबल इंस्पेक्शन, ठीक है. क्लीन अप आफ्टर नॉन हलाल इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन इफ बोथ आर बीइंग प्रोसेस्ड विद द सेम इक्विपमेंट. ऊपर मैंने आपको सॉसेज वाले वो यूएसए वाले बंदे की मुस्लिम बंदे की एग्जाम्पल दे दी थी, ठीक है. लास्ट पॉइंट हमारे पास है इस लेक्चर का कि जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं मस्ट बी सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द स्टोरेज टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग अलग करके उनको सही तरीके से देखना. तो समरी भी हमारे पास यही है, ठीक है. व्हाट इज परमिटेड, ठीक है. व्हाट इज प्रोहिबिटेड और अवॉइड द ऑल थिंग्स व्हिच इज डाउटफुल एंड रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट प्रोसेस हैंडलिंग एंड हाइजीन, ठीक है. आगे जाके इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लिया करें बेटा, पेपर में या वाइवा में मैं पूछ सकती हूँ, इवन इन योर मिड और क्विज, ठीक है. उसमें भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है. ठीक हो गया. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट द लेक्चर? नहीं तो हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं. मैम चीज के बारे में जो पॉइंट था उसके अंदर क्या लेंगे, वो हराम है कि हलाल है? बेटा चीज का पॉइंट ये था कि वो डाउटफुल में आ रहा था कि प्रोहिबिटेड है, क्लियरली हराम नहीं है, बट जो चीज हमारे पास रेनन से बनती है, ठीक है. रेनन हमारे पास एक एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम के ऊपर जो उल्मा है उनको डाउट होता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो एक लिविंग बॉडी से आता है. तो इस वजह से जो चीज स्पेन या फ्रांस में आपके पास जो चीज मिलती है, हम लोग वो चीज कंज्यूम नहीं कर सकते. एक तो उनके पास जो वो जिस मिल्क से बनता है वो भी हलाल नहीं होता, जिस एनिमल सोर्स से आता है वो भी हलाल नहीं होता. एंड थर्डली दे पुट द एंजाइम रेनन एंड रेनन इज ऑब्टेन फ्रॉम द काफ लिवर, ठीक है. तो वो चीज डाउट में आपके पास चली जाती है. ऐसे मैं आपको यहाँ खड़े होकर ये नहीं कह सकती कि वो हराम है या हलाल है, बट वो मुश्तबह में आ सकती है, आपके पास डाउट में आ सकती है, तो उसको लीव कर देना चाहिए. चलिए बेटा अटेंडेंस की तरफ आते हैं, जरा देख लो अभी क्लास में कितने बच्चे. ओनली 90 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, व्हाई? आपके मुझे लगता है इरादे नहीं है इस दफा क्लियर होने के. अब्रिश आजम प्रेजेंट मैम. आयमा यार प्रेजेंट मैम. ईमन अफजल प्रेजेंट मैम. एमन अली प्रेजेंट मैम.
Iman Ayub. Present, ma'am. Iman Fatima. Present. Iman Khan. Present. Alina Ahmed. Present, ma'am. Alishba Ahmed. Present, ma'am. Amreen Ashraf. Present, ma'am. Amna Amar Bhatt. Amna Saleem. Present, ma'am. Amna Sattar. Present, ma'am. Anika Yusuf. Present, ma'am. Anam Firdos. Present, ma'am. Aksa Khan. Present, ma'am. Aksa Muqaddas. Present, ma'am. Aksa Wahid. Aksa Zia. Present, ma'am. Ariba Amjad. Present, ma'am. Areed Jawad. Present, ma'am. Areed Zafar. Present. Ariba Noreen. Arifa Mustafa. Present, ma'am. Arusha Saeed. Present, ma'am. Asima Maqsood. Present, ma'am. Ruba Aslam. Present, ma'am. Dure Sami. Present, ma'am. Ilya Muqaddas. Present, ma'am. Isha Mubarak. Present, ma'am. Faria Fatima. Farhanda Ikram. Present. Fasiha Zahid. Ma'am, Friha present. Fatma Arshad. Present, ma'am. Fatma Javed. Fatma Nasir. Fiza Farid. Present, ma'am. Hadika Ali. Hafiza Rukma. Present. Hafsa Sawal. Present, ma'am. Hafsa Zaheer. Present, ma'am. Hamna Noor. Present. Haya Khan. Ifra Fatima. Ifza Idris. Present, ma'am. Iram Akmal. Iram Akmal. Iraj Amir. Present. Isha Sanaullah. Present, ma'am. Ishwa Khalid. Javeria Dar. Present, ma'am. Jazal Mas. Present. Kashif Nazir. Present, ma'am. Adija Munawar. Kinza Gul. Present. Kiran Firdaus. Present. Kiran Shehzadi. Present, ma'am. Laiba Zia. Present, ma'am. Maheen Ijaz. Present. Myra Hafiz. Malaika Azhar. Manahil Kamran. Maria Mansha. Present, ma'am. Maryam Ori. Maria Rauf. Marvish Abbas. Present. Maryam Noor. Present, ma'am. Masuma Zahra. Present, ma'am. Mahek Jahan. Present, ma'am. Manahil Fatima. Present. Manahil Ramzan. Present, ma'am. Meena Nazir. Momna Khalid. Present, ma'am. Mubashira Akbar. Present. Muhammad Haseeb. Present, ma'am. Munazza. Present, ma'am. Muniba Rahman. Present. Muqaddas Abdul Haq.
Najwa Nadeem. Present, ma'am. Nermeen Zahid. Neza Zahra. Nida Asif. Present, ma'am. Nimra. Present, ma'am. Nurul Ain. Present. Nausheen Maria. Present, ma'am. Rabia Jahangir. Rao Moiz. Present, ma'am. Imran Pakistan, present. Present, ma'am. बेटा मैंने कहा है ना जब रह जाती है तो जरा चुप कर जाए करे बीच में बोलते हैं फिर और औरों की प्रेजेंट लग जाती है. सादिया अदीब. प्रेजेंट मैम. सादिया बदर. प्रेजेंट. सादिक इकबाल. प्रेजेंट. समन असगर. समरा तारिक. प्रेजेंट मैम. सना सलीम. प्रेजेंट मैम. सवेरा फारूक. सिमिल खान. शाफिया बाबर. शिजा लियाकत. मैम शाफिया बाबर प्रेजेंट. शिजा लियाकत. सिदरा मुख्तार. Present. Tehreem Adeem. Tehzeeb Fatima. Present, ma'am. Tuba Sabir. Present, ma'am. Ujala Nasir. Present, ma'am. Umaima Gilani. Present. Umaima Shakil. Present. Urud Zeb. Present. Visha Tahir. Present. Noor. Zahra. Zermeen Tahir. Present, ma'am. Zoya Qasim. Present, ma'am. Zubaria Faiz. Present. Zukhruf Saeed. Present, ma'am. Kiski rehti ab? एक एक बेटा बच्चे तो नहीं हर दफा आपको बोलना पड़ेगा एक एक करके बोला करें. मैम फिया फातिमा मैम साथ बोला था. मैम समन असगर. मैम फिया समन के अलावा खदीजा मुनव्वर मैम. After Khadija. I'm Priha. Aur koi Fariha ke alawa? Ma'am Akhtar Wahid. Nahi to jab attendance lag rahi hoti hai to aap log so rahe hote hain. Beta aaj ye aakhri baar tha theek hai ki after attendance maine aap log ki attendance lagayi hai. From other class, आप लोग मरे जिए आपका इंटरनेट हो ना हो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है मैं अटेंडेंस के टाइम में अगर आपकी उसी वक्त कॉल के ऊपर आंसर आ गया ठीक अदरवाइज मैंने आप लोग की अटेंडेंस नहीं लगाई. ठीक है ये ड्रामा बहुत हो गया है. तीन सेशन आप लोग के गुजर गए हैं. ठीक है ड्रामे और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं आप लोग की. सो रहे होते हैं आप लोग क्लास में.